रायबरेली जिले से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, जीएसटी की छापेमारी के विरोध में व्यापारियों के साथ खड़े दिखे सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री व ऊंचाहार विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने छापेमारी के प्रति जताई नाराजगी, साथ ही साथ एडीएम प्रशासन से मिलकर व्यक्त की अपनी नाराजगी और व्यापारियों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को लेकर उन्होंने एडीएम प्रशासन को एक शिकायती पत्र भी दिया। साथ ही साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों को दी अहम जानकारी। आइए आपको भी सुनवाते हैं क्या कहना है पूर्व कैबिनेट मंत्री व ऊंचाहार विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे का। देखिए, मुख्यतः ये प्रेस वार्ता की गई कि पिछले तीन दिनों से रायबरेली शहर में, ऊंचाहार में, कई कस्बों में जीएसटी के अधिकारियों द्वारा भारी पुलिस लेकर के किसी भी एक व्यापारी के यहाँ पहुंच जाते हैं, छापा मारने की कार्रवाई जैसी, और उसके यहाँ इतना आतंक और भय का माहौल पैदा कर देते हैं कि वहाँ की मार्केटें ही पूरी बंद होती चली जा रही कई दिनों से। अगर जीएसटी के नाम पर कहीं उसकी कोई खामियाँ हैं, उसकी कोई कमी है, तो उसको विभाग नोटिस दे के अपने यहाँ तलब करे अपने प्रपत्रों के साथ। कोई उसने कमी कर रखी है तो उस पर उसको पनिशमेंट करे, आर्थिक पनिशमेंट की व्यवस्था है इसमें। लेकिन ये नहीं है कोई व्यापारी कोई चोर है, आप पहुँच गए और उसके यहाँ 100 सिपाही दरोगा लेकर के, और पूरी मार्केट में लोग जो है नहीं समझ पा रहे हैं क्यों हो रहा है, लोग अपनी शटर बंद करके भागते हुए नजर आते हैं, कर्फ्यू जैसा जो माहौल मनाया जा रहा है, आतंकवादी इस तरीके जैसे कोई एक आतंकवादी हो उसके यहाँ पहुँच गए 100 सिपाही, तो इस पर रोकथाम करनी चाहिए। अगर कोई कमी और खामियां हैं तो विभागीय उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, उसको नोटिस दी जाए, उसे जवाब मांगा जाए। जवाब से संतुष्ट विभाग ना हो तो उसके ऊपर जो उनके ऊपर कार्रवाई की व्यवस्था उनके एक्ट में प्रोविजन में दिया गया हो उसको वो एडॉप्ट करें। लेकिन सीधे इस तरीके किसी एक व्यापारी के यहाँ एक ट्रक पीएससी लेकर के पहुँच जाना, तो यहाँ तक जो सब्जी लगाते हैं वो भी दुकान नहीं लगा रहे हैं, डर गए हैं कि पता नहीं किस चीज़ के लिए छापा पड़ रहा है। पहली मांग है कि इस तरह के छापे पर तत्काल कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, और यदि किसी व्यापारी के बारे में शिकायत है तो वहाँ के स्थानीय व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं, उस स्टेट के हैं, उनको विश्वास में लिया जाए और जाएं उसके यहाँ, जाँच करें, चेक करें उसके यहाँ। लेकिन इसको भय का वातावरण बना करके न किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता, नहीं, इसका ऐसा नहीं होगा तो हम लोगों को मजबूरी में, लोकतंत्र में इसका विरोध करना पड़ेगा, धरने पे बैठेंगे फिर हम, ये नहीं होगा।